कि उनका शोहर के तौर पे लिखा हुआ बीवी ये हैं, तो ये क्या सीन है, लोग इस पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आगे से इंटरकनेक्शन इनका कैसे निकला। अच्छा जी, फिर 2017 में जब नूर बुखारी की शादी खत्म हो गई वली हामिद के साथ, तो इन्होंने फिर बुशरा बीबी की रफाकत में जब ये आई, तो बुशरा बीबी बताने वाली ये बताते हैं मुबैना तौर पे कि बुशरा बीबी ने उनकी शादी यानी कि नूर की शादी करवा दी किसके साथ, जुल्फी बुखारी के साथ। जी अच्छा, जुल्फी बुखारी के साथ शादी करवाई, और जुल्फी बुखारी जो हैं उन्होंने क्या किया। अच्छा अब यहां से थोड़ा सा ना दिमाग को थोड़ा सुकून दें, क्योंकि ये चीजें ना बहुत ही गड़मड़ गड़मड़ हो रही हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि जब पिंकी पीरनी साहिबा ने नूर बुखारी की शादी करा दी किसके साथ, जुल्फी बुखारी के साथ, तो अब जो जुल्फी बुखारी की बीवी है वो किसके पास जाए, तो जुल्फी बुखारी की जो बीवी है वो चले गई ओन चौधरी के पास, जो कि एक्स हस्बैंड थे किसके, नूर के। यानी कि ओन की बीवी जुल्फी के पास, जुल्फी की बीवी ओन के पास, यानी कि बीवियां अदली बदली, ये ठीक है इस तरह से। अच्छा अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि जब नूर की के इख्तलाफात जो हैं वो खत्म इख्तलाफात हो गए जुल्फी के साथ भी, यानी कि पिंकी पीरनी ने शादी करवाई नूर की जुल्फी बुखारी के साथ, ठीक है। तो जुल्फी की बीवी चली गई नूर के एक्स हस्बैंड ऑन के पास। अब जुल्फी से जब इनकी शादी खत्म हो गई नूर की, तो अब नूर किसके पास जाए, तो वो फिर से गई पिंकी पीरनी साहिबा के पास। तो पिंकी पीरनी साहिबा ने आगे नूर की शादी किससे करवा दी, उन्होंने नूर की शादी करवाई आगे खावर मानिका के दोस्त के साथ, खावर मानिका के एक दोस्त के साथ शादी करा दी, यानी अपने एक्स हस्बैंड के दोस्त के साथ उनकी शादी करा दी। तो नूर जो है वो फिर से